तो दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तापसी पन्नू बॉलीवुड की बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक है और अपने प्रोडक्शन बैनर आउटसाइडर फिल्म्स के तहत पहली फिल्म ब्लर के साथ दर्शकों को एक और रोमांचक अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी स्टूडियो से इकोलोन प्रोडक्शन और तापसी की आउटसाइडर फिल्म्स द्वारा निर्मित ये फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है। फिल्म का निर्देशन अजय बहल कर रहे हैं। पवन सोनी और अजय बहल द्वारा लिखित ये मनोवैज्ञानिक थ्रिलर दर्शकों को मुसीबत में फंसी एक लड़की की कहानी और उसके बाद आने वाले रोमांच और नाटक से रूबरू करवाती है। फिल्म में तापसी और गुलशन देवैया मुख्य किरदारों में है। खूबसूरत नैनीताल में बड़े पैमाने पर फिल्माई गई इस फिल्म की टीम की खुशी सातवें आसमान पर है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में छोटे शहर में ब्लर का चुनौतीपूर्ण शेड्यूल पूरा कर लिया है। नैनीताल में फिल्मांकन के अनुभव के बारे में बात करते हुए निर्देशक अजय बहल कहते हैं, नैनीताल झील, मार रोड और अन्य पर्यटन स्थलों जैसे वास्तविक स्थानों पर शूटिंग करना विशेष रूप से भीड़भाड़ के साथ के मुश्किल हो सकता है। हम देर रात से लेकर सुबह तड़के तक शूटिंग करते थे, लेकिन ये हम सभी के लिए पूरी तरह से संतोषजनक अनुभव था। नैनीताल ने फिल्म में सुंदरता और रहस्य को समान रूप से जोड़ा गया है। पवन सोनी और अजय बहल द्वारा लिखित जी स्टूडियोज तापसी पन्नू की आउटसाइडर फिल्म्स और इकोलोन प्रोडक्शन की ब्लर एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज की जाएगी। ब्लर के अलावा तापसी की आगामी फिल्मों में शामिल है लूप, लपेटा, शाबाश मिठू, रश्मि रॉकेट, अनाबल, सेतुपति और दोबारा। तो देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से तापसी पन्नू अपनी फिल्मों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करती है। आप इस फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप तापसी पन्नू के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।